नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चरण में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं 8, 9 और 10 अप्रैल के आपके राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों इन जिनका भी यह समय बर्थडे है या एनिवर्सरी है, आप लोगों को हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जीवन में दिन दुगने रात चौगने तरक्की करें। तो आइए इसी के साथ बात करते हैं यह समय ग्रहों की स्थिति कैसे रहेंगे, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का आपके राशि पर कौन सा असर पड़ने वाला है, किन किन चीजों से आपको सावधान रहने होंगे, कौन कौन से आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और आपको किन किन चीजों से सावधान रहने होंगे। दोस्तों इन तीन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थितियां और धन की स्थितियों को लेकर कैसे कैसे योग बन रहे हैं, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में बहुत ही उपाय भी हैं जिन्हें आप करके जीवन में और भी ज्यादा खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं, आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मुझसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। तो मित्रों आइए जानते हैं आप लोगों के राशिफल के बारे में। तो दोस्तों पुराने मित्रों से आपको मुलाकात करने के मौके भी प्राप्त होंगे। तुला राशि के जातकों को जीवन में भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होंगे। कार्यस्थल में नौकरी पेशा वाले व्यापारी वर्ग के जातकों को कुछ नया करने का प्रयास करने होंगे और आर्थिक स्थितियों में बदलाव करने की जरूरत होंगे। आप अपनी बल बुद्धि और तकनीक का इस्तेमाल करके कुछ नया खोज निकालेंगे। आपको किसी बड़े सामाजिक काम काजों में जिम्मेदारी मिल सकती है। जीवन में चल रही परेशानी भी दूर होंगे। आपको हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होंगे। शनिदेव जी की विशेष कृपा भी आप लोगों के घर में खुशियों का भंडार लेकर आ सकता है। व्यापार में भी आपको खूब तरक्की मिलेंगे। आपको अपना सच्चा प्यार भी वापस मिल सकता है और किसी बड़े सामाजिक काम काजों की जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आपको अपनी किस्मत का पूरा सहयोग भी प्राप्त होने वाला है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से कार्य क्षेत्र में आप लोगों को विशेष लाभ की प्राप्ति होंगे। भगवान सूर्यदेव की कृपा से भाई बहनों के साथ संबंध काफी अच्छे होंगे। जीवन साथी भी आपकी भावनाओं को ठीक से समझेंगे। जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकोगे। जीवन साथी की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। घरेलू सुख साधन में बढ़ोतरी होंगे। संतान की तरफ से भी आपके सभी प्रकार की चिंताएं दूर होंगे। आप कुछ नया करने के बारे में सोचेंगे। आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेंगे। आपके सगे संबंध भी आपको हर मौके पर खड़े मिलेंगे। आप किसी कार्य में करने पे भगवान भोलेनाथ को याद जरूर कर लें। आपकी हर इच्छाएं हर मुरादें पूरी होंगे। आप लोगों को भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होंगे और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको लाभ भी प्राप्त होंगे। आपके द्वारा किए गए यात्राएं भी लाभदायक साबित होंगे। प्रभावशाली लोगों का पूरा सहयोग भी प्राप्त होंगे। आपको विभिन्न स्रोतों से लाभ भी प्राप्त होंगे। इनकम के क्षेत्रों में बढ़ोतरी होंगे। व्यापार व्यवसाय में आपको लगातार प्रगति भी हासिल होने वाली है। आपको अपने किसी खास मित्र से लगातार लाभ की प्राप्ति होंगे। आर्थिक स्थिति में मजबूती भी रहेंगे। रोजगार में नए लाभकारी अवसर भी प्राप्त होंगे। राज्य के कर्मचारियों को नौकरी वातावरण सुखद रहेंगे। माता रानी की कृपा से आपका व्यापार रोजगार भी अच्छा चलेगा। अचानक से धन लाभ हो सकता है। घर में धन की बरसातें होंगे और आपको किसी अचानक बड़े मित्र से खुशखबरी की प्राप्ति भी होंगे जिनसे आप काफी ज्यादा प्रसन्न होंगे। नई जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। मित्रों माता दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफें समस्याएं हैं आपको दूर मिल सकती हैं। कारोबार में बड़ा धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है। लाभ की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी पेशा वाले लोगों को कार्य क्षेत्र पर किसी बड़ी जिम्मेदारी को समझने का प्रयास करने पड़ सकते हैं। आप अपने जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। भाग्य के सितारे भी आपके साथ रहने वाले हैं। धन लाभ होने का संकेत मिल रहा है। कार्य क्षेत्र और ऑफिस में होने वाले कुछ घटनाक्रमों के कारण आप अपनी योजनाओं और कार्यक्रम में बदलाव कर सकते हैं। आपके सहकर्मी और मित्रों की सहायता से आपके जरूरी कार्य पूरे हो सकते हैं। आप अपने जिम्मेदारियों को पूरा कर सकते हैं। धन लाभ हो सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि आपके सहकर्मी और मित्रों की सहायता से आपके जरूरी कार्य पूरे होंगे। आपके धन संपत्ति में आकस्मिक वृद्धि हो सकती है। परिवार के सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होंगी। आप अपने शत्रुओं से निजात पा सकते हैं। माता दुर्गा की कृपा से नवरात्रि से पहले आपके वर्षों पुराने सपने भी पूरे होंगे। जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आपको कारोबार की स्थितियां आपके अनुकूल रह सकती हैं। इस राशि के लोगों को गरीबी के दिन समाप्त हो चुके हैं। आप करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सकता है। आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार के कष्ट समाप्त होंगे। प्रेमी के साथ गहराई बढ़ सकते हैं। घर का वातावरण काफी प्रफुल्लित रह सकता है। आप अपने जीवन के तमाम दुख तकलीफों से छुटकारा पा सकोगे। आपके जीवन में आपको लंबे समय से आ रही मुसीबतों और परेशानियों से भी छुटकारा मिल सकता है। आप धैर्य का साथ छोड़कर मुश्किल की राह पर चल
सकोगे और बुलंदियों के साथ अपने हौसलों को बढ़ा सकोगे तथा आप अपने जीवन में विशेष बड़ी खुशखबरी को हासिल कर सकते हैं। शनिदेव की कृपा की प्रबल प्राप्ति होने का संकेत है। जीवन के कार्य क्षेत्र में आपको बड़ी कामयाबी हासिल होगी। आप लोगों का आने वाला समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। आपका समय समय पर होने वाले परिवर्तन भी आपको कुछ नया सीखा कर जाएंगे। आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार की परेशानियों का अंत होंगे। आपको व्यापार के क्षेत्र में अचानक धन लाभ हो सकता है जिनसे आप मालामाल हो सकोगे। आप अपने प्रयास को अपने लक्ष्य पर बनाए रखने की कोशिश कर सकते हैं। शनिदेव की कृपा से आपको सच्चे प्यार की प्राप्ति होगी। बड़ा मुनाफा मिल सकता है। आप अपने जीवन में मंदी को दूर कर सकते हैं। आपको जीवन में करोड़ों के मुनाफे हो सकते हैं। घर परिवार का खुशियों का माहौल रह सकता है। परिवार में आपका खुशी का माहौल बने रहेंगे। आपके लिए आने वाला समय बेहद शुभ रहने वाला है। प्रतिष्ठित लोगों का पूरा सहयोग भी आपको प्राप्त होंगे। पैसों की कमियां भी दूर होंगी। आप लोगों को अपने नए कामकाज में बेहतर फायदा हो सकता है। शनिदेव की कृपा से आपको लाभ के कई अवसर हाथ लग सकते हैं। आप निवेश कर सकोगे और भविष्य में अच्छा खासा नतीजा भी प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग काफी लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको अच्छी नौकरी मिल सकती है। अचानक आप अपने किसी करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात कर सकते हैं जिनसे आपका मन काफी आनंदित रहेगा। आने वाला समय आपके लिए नई खुशियों को लेकर आएगा। वाहन का उपयोग सावधानी पूर्वक चलाने की कोशिश करें। परिवार के बड़े बुजुर्गों की बात से आपको लाभ हो सकता है और वेतन की वृद्धि हो सकती है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेंगे। पारिवारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। अचानक धन लाभ हो सकता है। चारों दिशाओं से आपको अचानक ऊपर धन की बरसातें होंगी। आपके ऊपर कुबेर महाराज की कृपा दृष्टि सबसे अधिक रहेंगी। कुबेर महाराज का नाम लेकर आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। परिवार में आपको सुख शांति का वातावरण रह सकता है। आपके जीवन में आपको विशेष बड़ी खुशखबरी हासिल होंगी। आपके वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने में आप प्रयास कर सकते हैं। नौकरी में बदलाव हो सकता है। धन की स्थितियां काफी अच्छी होंगी। आप लोगों को बहस करने से बचने का प्रयास करने होंगे। आप अपने जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करें। कार्य क्षेत्र में आपका बड़ा परिवर्तन हो सकता है। आपको संतान के विवाह संबंधित मामलों में भी जल्दबाजी से बचने का प्रयास करने होंगे। जोखिम भरे निवेश से आपको बचने की जरूरत होगी। आप अपने निर्णय और अपनी इच्छा शक्ति में बढ़ोतरी कर सकते हैं। आप अपने जीवन में काफी बड़ी खुशखबरी को हासिल कर सकते हैं। इस समय आपको विशेष बड़ी खुशखबरी और के उपहारों की प्राप्ति हो सकते हैं। आप अपने जीवन की दुख तकलीफें और समस्याओं से भी छुटकारा प्राप्त कर सकोगे। कार्य क्षेत्र में आपको बड़ी खुशखबरी हासिल होगी। आपको जीवन में दुखों और तकलीफों से भी छुटकारा मिल सकता है तथा आप लोगों का आने वाला समय बहुत ही अच्छा होने वाला है। व्यापार को नए लेवल तक ले जाने में कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। अटके हुए प्रोजेक्ट फिर से शुरू होंगे। लेन देन और निवेश में आपको किस्मत का साथ मिल सकता है। शेयर बाजार में निवेश किए गए पैसों से भी आपको अचानक लाभ हो सकता है। आप अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन को व्यतीत कर सकोगे। परिवार में ढेरों खुशियां और सुख समृद्धि का निवास होंगे। परिवार में आपके सुख शांति का माहौल रह सकता है। आपके जीवन के सभी प्रकार की परेशानियां कष्ट और से निवारण हो सकते हैं। आपके जीवन में नई खुशखबरी मिल सकती है। आप हमेशा कुछ अलग और अनोखा कर सकते हैं।